अब डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? आप लोग घर में रोज रोज सफाई करते हो ना, करो तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, तो आप अंदर की सफाई करते हो, कितना करते हो? एक कोई कह सकता नहीं जी, एक एलोपैथ के डॉक्टर थे हमारे एक सेमिनार में, हाथ खड़ा करते बोलते हैं, डू यू नो दैट नेचर डिटॉक्स? यस, नेचर इटसेल्फ डिटॉक्स, दैट्स व्हाई यू आर अलाइव, बट यू विल बी हेल्दी व्हेन यू विल हेल्प नेचर टू डिटॉक्स। यू आर अलाइव बिकॉज नेचर डिटॉक्स इटसेल्फ, अदरवाइज टॉक्सिक तो आदमी मर जाएगा तेरे से, नेचर हेल्प नहीं करेगी तो। बट यू नीड टू हेल्प नेचर सो दैट यू विल बी अलाइव, आई मीन हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए अपने आप नेचर। जैसे देखो आदमी प्राणायाम नहीं करता कोई मर नहीं जाता है, लेकिन बीमारी है ना, तो प्राणायाम इज गॉट वॉलेंटरली आप श्वास लेने की कोशिश करते हो, तो श्वास तो ऐसे चल ही जाए भगवान के पास, जिंदा रहने के लिए भगवान ने आपको एक सिस्टम दे दिया, चलो जी आप लेते हो, आप नहीं मिलोगे तो श्वास ले ही रहे हो आप, लेकिन प्राणायाम लोगे तो स्वस्थ हो जाते हो। तो उसी प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही रहा है, मलमूत्र के रास्ते से टॉक्सिन निकल रहे हैं, पसीने के रास्ते से निकल रहे हैं, श्वास के रास्ते से निकल रहे हैं, आपने देखा होगा चार चीज आउट होता है, चार्ज देखा आपने आउट, जो पहली वाला है देखा आपने उस बॉडी को, तो जो चार्ज आउट है वही डिटॉक्सिफिकेशन है। तो एनी हाउ नेचर अपना काम कर रहा है, लेकिन नेचर को हमें हेल्प करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन के कुछ तरीके हैं, उसको हमें करना पड़ेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन के में क्या क्या होता है, इसको हमारे शरीर में पांच ऐसे ऑर्गन है जिसको टॉक्सिन फ्री रखना बहुत जरूरत है। कौन कौन से ऑर्गन है ये आपके सामने है, बराबर है, ये आपके चार सामने में चार हैं, जिसको इसी की शुद्धि को आयुर्वेद में पंचकोश कहते हैं, पंचकोश शुद्धि, पांच कोश है ना, पंचकोश शुद्धि कहते हैं ना, यही पांच है, इंटेस्टाइन लीवर लंग्स किडनी एंड स्किन, पांच है छह है वो, पांच ही है। तो अब हम इसको जानेंगे